पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू यादव के सुबह सुबह सोशल मीडिया पे एक पोस्ट से एनडीए में घमासान मच गया है। लालू यादव ने खुद की उपलब्धि, खुद का जो वो काम किए उसको गिनाते हुए एक ट्विटर पे पोस्ट किया है और इसके साथ ही सीएम नीतीश को भी घेरने का काम उन्होंने किया है। इस पोस्ट में रेल व्हील प्लांट को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी आधारशिला हमने दी थी। प्लांट के निर्माण में लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसके साथ ही हमने इस पर योगदान दिया था। लेकिन अब एनडीए भी किसी तरह की चुप्पी नहीं साध रहा है। बता दें कि एनडीए की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब लालू यादव को और विपक्ष को मिल रहा है। एनडीए के बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, उन्होंने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रभाकर मिश्र ने लालू यादव को घेरते हुए कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, 10 साल में जो काम एनडीए ने किया है अब लगता है उन्हें भी वो नहीं दिख रहा है। लालू यादव ने आखिरी में अपने पोस्ट में ये लिखा कि गिरगिराने से और झोली फैलाने से कुछ नहीं होता है, राजधानी दिल्ली से, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि केंद्र की सरकार से मांगने से कुछ नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। जितना काम हमने कर दिया उतना नीतीश से नहीं हो पा रहा है, बिहार सरकार अभी मजबूर है। इस पर प्रभाकर मिश्र ने बयान देते हुए कहा है, लालू यादव जब सत्ता में थे, रेल मंत्री थे, तो उन्होंने अपने परिवार का भला किया, इसके अलावा उन्होंने किसी का भला नहीं किया, जनता का भला और बिहार की जनता का भला उन्होंने नहीं किया, जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र और किस तरीके से लालू यादव को जवाब दे रहे हैं, आप खुद चल के सुनिए। बिहार के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता का यह नया अवतार है। मुख्यमंत्री रहकर पहले चारा घोटाला किए, रेल मंत्री रहकर लैंड फॉर जॉब स्कैम किए और अब बयानबाजी में भी भ्रष्टाचार। लालू प्रसाद जी जब अपने काम की बात करते हैं तो काम भी बदनाम हो जाता है। लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहते हुए सिर्फ अपने परिवार का भला किया, देश प्रदेश और जनता को धोखा दिया। चरवाहा विद्यालय का क्या हश्र हुआ? आज चरवाहा विद्यालय कहाँ है? बिहार से हरी सब्जी रेल से दिल्ली भेजने की बात की थी, क्या हुआ? दरियापुरी स्थित रेल व्हील प्लांट पर भी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। इस प्लांट का कायाकल्प एनडीए सरकार में हुआ। लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए एनडीए के 10 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धि उन्हें समझ में नहीं आ रही। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? पटना एम्स किसने दिया? दरभंगा एम्स कौन बना रहा है? बिहार में 4 और 6 लेन सड़कें किसने बनाई? लालू प्रसाद जी अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।